सावन महीने का आज तीसरा सोमवार है। शिव जी के भक्त शिवालय पर आज सुबह से ही पहुंचे हैं। हम बात करते हैं देवास के भोलेनाथ मंदिर की। यहाँ पर मंदिर राज महाराजाओं के समय का प्राचीन मंदिर है। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, यहाँ पर भक्त दूर दूर से दर्शन अभिषेक पूजन पाठ करने आते हैं। अल सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों की भीड़ लग जाती है। आज सावन मास का तीसरा सोमवार होने से यहाँ पर सुबह से ही जल अभिषेक करने के लिए भक्त पहुँचे हैं। यहाँ मंदिर सदियों पुराना है। यहाँ पर विराजमान भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं, सबकी मुराद यहाँ से पूरी होती है। आज हरियाली अमावस के पावन पर्व पर महिलाएं वड़ व्रत की पूजा अर्चना परिक्रमा करती हैं। महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा मानना है कि आज के दिन बड़े दृष्टि पूजन अर्चना परिक्रमा करने से घर परिवार में खुशी बनी रहती है, घर परिवार हरा भरा रहता है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं मिल रोड पे भोलेनाथ मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है। हम बात करते हैं श्रद्धालुओं से कि सावन सोमवार का क्या महत्व है। भाई आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है, क्या कहना चाहिए? सावन में भगवान शिव की जो महिमा है वो बड़ी अपरंपार है। बताते हैं इसका काफ़ी महत्व है सावन में। और रही बात इस मंदिर की, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर कई गुरुओं का निवास रहा है। और यहाँ पर आखिरी सोमवार में काफ़ी भव्य सवारी निकलती, जो कई वर्षों से निकल रही, करीब 200 वर्षों से ज़्यादा होती है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिल्कुल यहीं पास में ही रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश कानून। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। सोमती अमावस्या सभी सुहागने करती है पूजा, अखंड स्वभाव सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शिव जी का बहुत बड़ा सावन पर्व चल रहा है और महाकाल की कृपा बनी रहे सब पे, इसलिए सब मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए। ये जो पड़ की जो फेरे वेरे भी लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, वो क्या है? अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर संसार अच्छा रहे। जानकारी सर, ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, इसके बारे में तो ये राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ है और ये अब तो विशाल हो गया है, बहुत बड़ा मंदिर। पहले बहुत छोटा सा मंदिर था, पर बहुत वो था, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, साधु महात्मा का जमा हो रहा है। गौशाला वगैरह हो गई है यहाँ, फिर जो खेती चारवा है बिना के लिए, गाय गऊ के लिए घर गिरी घासें वगैरह है, सब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है ये काम का। आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है। हाँ, जो अभी पर सर ये क्या है कि हम वैसे यहाँ हर डेली अभिषेक होता है 7 सनों, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण हमने अभिषेक को पोस्टपोन किया। और साथ में क्या है, सोशल डिस्टेंसिस रखते हैं। अब कोई नहीं मानते वो बात अगले, पर सबको हम समझाइश भी देते हैं कि भाई अपने को थोड़ा सा दूर रहना है, ताकि कोई कोरोना फैले नहीं है, कुछ नहीं हो, और मूर्ति को कोई स्पर्श नहीं करें। पर क्या है, कभी कोई कोई सुन लेता है, कोई नाराज भी हो जाता है। अब क्योंकि क्या आस्था का विषय है और ये तो प्राचीन मंदिर है, यहाँ तो क्या हम बरसों से करते आए, तो क्या ये थोड़ी सी वो भावना है लोगों की, वरना बहुत अच्छा रहता है। आज तो अभी कुछ 1% भी भीड़ नहीं है, नहीं तो ये समझ लो कम से कम 50-60% भीड़ इससे ज़्यादा गुना रहती है क्या। और बहुत अच्छा, कौन सी जगह का मंदिर है, कौन सी जगह लगती है ये? भोलेनाथ का मंदिर बोलते हैं ये, मील रोड देवास का मंदिर है। और ये प्राचीन या चिन्नाभाई स्कूल है पास में ही ये। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।